जनपद रामपुर में आज आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह पहुंचे। नगर निकाय चुनाव के चलते रामपुर पहुंचे आप पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह। NH-24 कोसी पुल के पास फैसल लाला सहित समर्थकों ने फूल मालाएं डालकर भव्य स्वागत किया। इसके उपरांत सांसद तहसील मिलक में मजार भय सोड़ी शरीफ दरगाह पर हाजिरी देने पहुंचे। उसके उपरांत सांसद संजय सिंह ने तहसील स्वार पहुंचकर जनसभा को संबोधित किया। आईएनए संवाददाता कामरान आमिर से बात करती उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी मुद्दों की बात करती और भाईचारे की बात करती है। युवाओं को रोजगार देने की बात हो या उनके हक की बात हो, आम आदमी पार्टी हमेशा से सभी वर्ग के साथ है। आईएनए के लिए रामपुर से संवाददाता कामरान आमिर की रिपोर्ट। आगमन हुआ है क्या विशेष? आज फैसल लाला जी ने यहाँ पर एक सभा का आयोजन किया है और उसके सिलसिले में आया हूँ। इस वक्त पूरे उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी नगर निकाय के चुनाव की तैयारी में जुटी हुई है। हर जगह हम लोग अपना संगठन मजबूत कर रहे हैं। जगह जगहों पे रैलियां हो रही हैं, सभाएं हो रही हैं। अब तक 6 प्रांतीय सम्मेलन हम लोग कर चुके हैं। 8 प्रांतों में उत्तर प्रदेश को हम लोगों ने बांटा है संगठन की दृष्टि से। तो आज मुझे पूरी उम्मीद है कि अभी 1-2 घंटे बाद जो रैली होनी है यहाँ पे, बड़ी कामयाब और अच्छी जनसभा होगी। अच्छा, चुनाव जिस तरीके से राजनीति देश में चल रही है, तो क्या किस नज़रिए से देखते? देखिए, राजनीति जो चल रही है, एक पार्टी है जो इस देश को नफरत की बुनियाद पे खड़ा करना चाहती है और हिंदुस्तान मोहब्बत की बुनियाद पे आगे बढ़ेगा। हम विविधता में एकता वाले देश हैं। हम अलग अलग भाषा, अलग अलग धर्म, अलग अलग जातियों के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। ये हमारे हिंदुस्तान की खूबसूरती है। तो मैं समझता हूँ कि अभी सबसे बड़ी चुनौती ये है कि राजनीति को हम मुद्दों पर लेकर आए, बिजली पर, पानी पर, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, कूड़े की सफाई पर, जो आम इंसान की जिंदगी से जुड़ा हुआ मुद्दा है उस पर हम लोग राजनीति को लाएँ। आज मैंने एक समाचार पढ़ा कि 52 पेटी शराब सरकारी स्कूल में मिल रही है। आप सोचिए कि किस तरह का हिंदुस्तान हम बनाना चाहते हैं। अस्पताल में, ICU में चीटियां बच्चे को नोच के खा जाती हैं, मर जाता है बच्चा बांदा के सरकारी अस्पताल में। ललितपुर के एक थाने में गैंग रेप पीड़िता के साथ थानेदार रेप करता है और हम नफरत की और धर्म की और आपसी लड़ाई की राजनीति में उलझे हुए हैं। तो आम आदमी पार्टी की कोशिश ये है कि राजनीति जनता के मुद्दों पर आए। लगातार क्राइम हो रहा है, लगातार बलात्कार हो रहे हैं, उसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, क्राइम तो तभी रुकेगा ना जब सरकार के अंदर सोच हो क्राइम रोकने की। जो लोग खुद ही क्राइम को बढ़ावा देने वाले लोग हैं, जो लोग बलात्कारियों को बचाने वाले लोग हैं, तो उनसे कैसे आप उम्मीद कर सकते हैं? अच्छा सर, सपा को जो झटका लगा है एक ही बार में, क्या कहें? मान जाते ना ये पहले। देखिए, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि वो एक बड़े नेता थे और उन्होंने समाज के सभी वर्गों के लिए काम किया और इसलिए मेरी श्रद्धांजलि है उनके प्रति।